हाय एवरीवन, वेलकम टू फिट फूड एंड हेल्थ। दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक ऐसा अच्छा सा स्वीट स्नैक देने वाली हूँ जो आपके मार्केट की चिक्की से बहुत बेटर होता है। तो जब भी मुंह मीठा करने का करेगा मन, तो आप बनाएंगे इसको। मैं बनाने वाली हूँ आज एक गुड़ से रेसिपी, और जो है मसाला गुड़। गुड़ जो होता है वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्वीट क्रेविंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन वेट वॉचर्स इसे खा सकते हैं। गुड़ है बहुत ही हेल्दियर ऑप्शन शुगर की जगह। अगर आप शुगर की जगह गुड़ को यूज करते हैं तो आपका वेट भी मेंटेन रहता है। तो मैं करती हूँ किचन का रुख और आपको बनाकर दिखाती हूँ ये मसाला गुड़ की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप चिक्की को भूल जाएंगे। लोहड़ी को खास बनाने के लिए ये मसाला गुड़ की रेसिपी जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, इसके लिए मैंने पीनट्स, एलिमेंट्स और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको रोस्ट कर लिया है, और फ्लैक्स सीड और अब ये सेसमी सीड और जीरा, अजवाइन, सौंफ सभी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और साथ में ही अब लिया है एक चम्मच देसी घी, और उसमें डालूंगी मैं मखाने जो कि कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इनको मैं ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लूंगी। मैंने लिया है कुछ हाफ के जी गुड़, और इसको मैं मेल्ट करूंगी। बहुत ही स्लो गैस पे कीजिएगा, पट्टी का रूप ना ले ले, चिक्की नहीं बनानी है हमें, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने रोस्ट किए थे। इलायची पाउडर डाल दिया है, और डाल दिए हैं तिल और मूंगफली और एलमंड्स, तो जितने भी हमने रोस्ट किए थे ये सौंफ वाला मिक्सचर, और सभी को हम इसमें डाल दे रहे हैं फ्लैक्स सीड्स। और देखिए आप कितनी सारी चीज़ें डल रही हैं, बिल्कुल ये हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। साथ में ही थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये इसको बहुत अच्छा पंच देगा। और मखानों को मैंने क्रश कर लिया है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। और इसमें मैं डालूंगी अब कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो कोकोनट को कट करके ड्राई वाले को डाल सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल चुके हैं। अब कुटी काली मिर्च डाल दी है, और ये भी बहुत अच्छा पंच देगी, और ये मेलन सीड्स हैं, तो इन सभी को मैंने डाल दिया है। मेलन सीड्स को नहीं भूनना है। और अब मैंने प्लेट पे घी लगा लिया है, और अब हम इसमें जाएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट, और जो आप गैस पर भी डाल सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ। उससे बहुत अच्छा पंच आता है उसमें, और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और वो इंग्रेडिएंट है सौंठ। सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ हाफ चम्मच के करीब। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो। और इसको अब हम सेट करने के लिए इस प्लेट पे रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए रख देंगे, और इसमें लगेगा कम से कम 1.5 आवर, और कभी कभी 2 आवर्स भी लग जाते हैं। तो इसको हम ऐसे सेट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए सेट हो चुकी है, और ये बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से निकल आई हमारे ये मसाला गुड़। और ये मसाला गुड़ बहुत ही टेस्टी बना है, और आप इस वेदर में बना के खाइएगा, बॉडी तो वार्म रहेगी ही, साथ में ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, जो कि बहुत जरूरी है इस दौर। तो ये टेस्टी रेसिपी आपके कफ एंड कोल्ड के लिए अच्छी है, आपको बॉडी को वार्म रखेगी विंटर में, और बहुत ही टेस्टी है, स्वीट क्रेविंग्स के लिए अच्छी है, और इसमें है बहुत सारे एसेंशियल फैट्स और न्यूट्रिएंट्स। तो आप इसका यूज करने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं ये आपकी कैसी बनी। और ये बहुत इजीली बन जाता है, और आप इसको हमेशा बनाइए, और जब भी कोई कहे कि मुंह मीठा कराओ, तो आप बस मसाला गुड़ दे दीजिए, उसके बाद वो हमेशा आपके यहाँ से ही मीठे की डिमांड करेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे हेल्दी अपडेट्स मिलते रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। हैप्पी लोहड़ी। Oh!